आज के समय में एक बीमारी आम हो चुकी है। बीमारी का नाम डायबिटीज, खून में शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से डायबिटीज की बीमारी होती है। जिन लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम होती है, उन्हें इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को कम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करने से भी आपको फायदा हो सकता है। पहले आप एक फल के बारे में जानिए। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए सिंघाड़ा खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। सिंघाड़ा एक लो शुगर फल है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनसे आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, साथ ही इससे डायबिटीज का खतरा भी टल जाता है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की वजह से फल खाने को मना किया जाता है, वो सिंघाड़ा खा सकते हैं। इसके अधिक सेवन से भी नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरे नंबर पर बात रोटी की। रागी रोटी है बहुत फायदेमंद। रागी में पॉलीफेनॉल और डाइट्री फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्रेविंग को कम करता है, साथ ही पाचन गति को बनाए रखता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। जो लोग भी अपने हाई ब्लड शुगर लेवल से परेशान हैं, उन्हें रोजाना रागी रोटी का सेवन करना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात ऑयल की। ऑलिव ऑयल है असरदार। ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में कैलोरी और कार्ब्स की मात्रा काफी मात्रा में होते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। जैतून को डायबिटीज के मरीजों के लिए सही इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें ओलियोप्रोपीन होता है। ये जैतून का सबसे शक्तिशाली पॉलीफेनॉल है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए टाइम 24 को तुरंत सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी लोग शुगर के मरीज हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दें। करिए एक शेयर इंसानियत के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।